अब जो कर रहे हैं ये दंड है, फिर बैठक लगवाएंगे। दंड बैठक लगाते थे पहले, बोल दंड बैठक कसरत करो, जवान बनो, बलवान बनो। अस्मा भवतु नस्तन, हमारे शरीर वज्र की भांति फौलादी होने चाहिए। बलम उपास्व, बल की उपासना करो। नायम आत्मा बल ही नहीं लभ्य, मैं बार बार कहता हूं ना, शरीर से बलवान, हृदय से श्रद्धावान, मस्तिष्क से, दिमाग से प्रज्ञावान, ज्ञानवान, आचरण से चरित्रवान बनेंगे तभी हम महान होंगे। तो भारत, तो चलो पहला अभ्यास, एक दो तीन, ऐसे लंबे लंबे श्वास, ऐसे 12 अभ्यास। फिर दूसरे अभ्यास में ऊपर गए, फिर ऐसे नीचे आ गए, दूसरा अभ्यास, ऐसे जाना, ऐसे आना, ये अभ्यास, ये दो हो गए। अब तीसरा अभ्यास, हाथों की उंगलियां उठे अंदर की तरफ, एक साथ पूरे शरीर को ऊपर नीचे करेंगे। पहले तो ऐसे सीधा कीजिए अपने आप को, नीचे ऊपर, कुछ समझ में आई? मैं तो 100 बार करके आया हूं पहले ही, ये तो आपके लिए कर रहा हूं एक्स्ट्रा में। तीन हो गए, चौथा दायां पैर आगे, एक दो तीन, 1 2 3, ऐसे पूरा करना है। जो जवान है इसका नाम ही है हनुमान दंड, बजरंग बली की। खुद बजरंग बली बनो, हनुमान जी बनो, राम जी बनो, शिव जी बनो, तुम ही राम हो, तुम ही हनुमान हो, तुम ही घनश्याम हो। पैर पीछे, एक दो, ये से करो जवानो, किसी ने तो बुलाया था। ये भंडारा टाइम नहीं है, वो दिन में, ये योगा टाइम है। तो सुनो, ये था वृश्चिक दंड का पहला अभ्यास। दूसरा, पैर ऐसे उठा और ऐसे ऐसे इतना यो, ऐसे ऐसे करो, पहले सीखो फिर करो, ऐसे। समझ में आई बात? पार्श्वदंड। अगला, ऐसे सीधा, एक पैर साइड में गया, दो तीन, एक दो तीन, पैर ऐसे, पूरा व्यायाम भी हो जाता है और आसन भी हो जाते हैं। पूरे शरीर को साधो, तभी तो साधु बनोगे। सभी साधु बनना, सन्यासी अलग है, साधु अलग। जो साध लेता है स्वयं को, साधनोति पराणिकारी, जो सादगी में जीता है, परोपकार में जीता है, जो अपने स्वभाव में जीता है, जो स्वावलंबन स्वाभिमान में जीता है, प्रभु स्मरण में जीता है। अगला अभ्यास थोड़ा और मजेदार है, पैर साइड में खोल लो, हाथ ऐसे रखो। अभी क्या होगा, ये दाहिना पैर ऐसे घूम के आएगा तो हाथ उठ जाएंगे, चक्रदंड कहते हैं इसको, पूज्य गुरु जी बहुत पसंद करते हैं इसको। ऐसे ये, फिर ऐसे, चलो लगा, आपने भी लगाया ना। हाँ, ऊर्जा होनी चाहिए जवान, अपनी टांग नहीं घुमा रहे, दुनिया घुमा दोगे तुम। चक्रदंड, फिर है पलट दंड, अगला क्या है तो कैसे, एक दो तीन चार पांच,
6-7 ऐसे साधारण दंड लगा के पैर फेंक देना, फिर वापस आना। कुछ समझ में आई? किसी किसी के तो बीच में ही गाड़ी फंस गई, यूं किया और ये मुंह गया। गाड़ी बीच में नहीं फंसनी चाहिए। ये थी चक्रदंड। फिर अगला और जोरदार मामला, अब होगी शेर दंड। क्या है बोलो? सिंह दंड। चलो हाथ ऐसे, संतुलन बनाना पड़ेगा, पैरों को पीछे से उछालना पड़ेगा ऐसे। संतुलन बनाना पड़ता है ऐसे, फिर नीचे ऐसे। कुछ मामला आया समझ में? समझ में तो आया, लेकिन उठाने में अभी थोड़ा बात नहीं बन रही। तो इतना इतना उठा सकते हो? पहले ऐसे ऐसे इतना तो उठा ही सकते हो। थोड़ा थोड़ा उठाया फिर पूरा उठ जाएगा। समय तो लगेगा, ताकत लगती है इसमें। हाँ, अब 11वां सर्पदंड। 1-2-3-4 करो। ये तो सब कर लो, ये तो 3 बार क्या 30 बार कर सकते हो ऐसे। वैसे वैसे किया, फिर एक बार आ गए, फिर क्या वैसे? इसमें तो ज्यादा जोर नहीं लग रहा था, लेकिन इसको भी उल्टा पुल्टा कर रहे हैं, कुछ कुछ पीछे से लगा रहे हैं, कुछ आगे से लगा रहे हैं। ऐसे नहीं पूरा, देखो 1-2-3 ऐसे से 100 बार लगा लो। लास्ट 12वां दंड का अभ्यास, मिश्र दंड। क्या बोलो? ऐसे बैठे ना, तो ऐसे ही वापस आ जाना दंड लगा के। ऐसे 1-2-3 लगा जाओ, आराम से मत बैठो, काम करो, बलवान बनो। जिम में जाने की जरूरत ही नहीं है, टोले सोले बढ़िया बन जाएंगे। चलो तो ये तो हो गया अभी दंड का अभ्यास, अब बैठे करेंगे, खड़े हो जाओ, आराम आराम से कराते। ये पहला, जिससे जितना बन पाए करने की कोशिश करना, आधा आधा तो सभी कर ही लेंगे। फिर दूसरा, ये तो आधा हुआ, फिर दूसरा ऐसे, 1, दोनों हाथ कंधों के समानांतर, 2, तरीके से देखो मुट्ठियां बंद करके, 1 सीधे बैठना, पीछे से बैठना, ऐसे नहीं जवानों की तरह। फिर तीसरा अभ्यास, धीरे धीरे नीचे जाना, धीरे धीरे ऊपर आना, एक श्वास में एक अभ्यास। पहले तो 2-3 बार से शुरू करना, फिर 5-10 बार कर लेना, एक फिर आगे छलांग लगाएंगे, 1-2 छलांग लगा के आगे बैठना है, लेकिन नीचे आराम नहीं करना, थोड़ा अधर रहना एडी से ऊपर, थोड़ा सा हाथ कंधों के बराबर, फिर ऐसे ऐसे 1-2 ऐसे। आई समझ में बात?
रुक जाओ, थोड़ी देर में मूसले आ जाएंगे। अगला अभ्यास, पहले किसी से मुकाबला करते थे ताल ठोकते थे, अब ताल कहाँ ठोके, बची ही नहीं, पहले ठुकी भी है। एक दो तीन चार, वन टू थ्री फोर, वन टू थ्री फोर, वन टू थ्री, बस इतना ही बहुत है, धीरे धीरे बढ़ाना। नेक्स्ट, इसका भी नाम फिर हनुमान बैठक है, दोनों हाथ कंधों के समान अंतर। आधा तो सब कर सकते हैं, जिनसे आधा भी ना हो पाए वो भस्त्रिका कपाल भाति अनुलोम विलोम कर लेना। ये आधा हुआ और ये पूरा हो गया, पूरे बैठ के। स्ट्रेचिंग हो जाती, पीछे और आगे वाला पैर पूरा खींच जाता है, पूरे शरीर का पूरा गया। कुछ बात बनी? दोनों हाथ ऐसे श्वास भर के ऐसे करना, और जो पूरा कर सके वो पूरा करना, सीधे सीधे ऐसे नहीं झुकना, ऐसे ये नहीं, जितना झुक पाओ ऐसे झुको सीधे सीधे, और जो पूरे बैठ सके पूरे बैठ जाना। जवानों को तो पूरे बैठना आना ही चाहिए, ताकत हो उठने की, अभी नहीं उठोगे तो कैसे संसार का बोझ उठाओगे।